हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कांग्रेस महिलाओं के उत्थान के लिए संकल्पबद्ध गहलोत। पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अशोक गहलोत ने कहा कि कांग्रेस महिलाओं के उत्थान के लिए संकल्पबद्ध है। इसी को देखते हुए महिलाओं को अधिकाधिक टिकट दिए गए हैं। उन्होंने यह बात सोमवार को मीडिया से बातचीत के दौरान कही। उन्होंने कहा कि संकल्प लेने का वक्त आ गया है कि देश की महिला राजनीति व सामाजिक क्षेत्र में आगे बढ़े। महिलाओं को 33% आरक्षण विधानसभा व लोकसभा में भी मिले। उन्होंने राजीव गांधी को याद करते हुए संविधान संशोधन 73 व 74 की बात कही और कहा, इस कारण ही गांव में वार्ड पंच, सरपंच, प्रमुख, प्रधान व नगर पालिका में मेंबर व मेयर बनी है। उन्होंने कहा कि 50% आबादी होने की सोच राजीव गांधी ने रखी। उसी को ध्यान में रखते हुए राहुल गांधी ने भी पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि महिलाओं को आगे रखा जाए। इसको ध्यान में रखते हुए राजस्थान में भी इस बार नए चेहरों के साथ महिलाओं को अवसर दिया गया है। टिकट मिलने के बाद इन्हें कामयाब करने के प्रयास करने हैं। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने जोधपुर की 5 साल तक उपेक्षा की है। जोधपुर को स्मार्ट सिटी बनाना था, लेकिन उन्होंने जानबूझकर स्मार्ट सिटी नहीं बनाया। उनसे खुन्नस के कारण जोधपुर का विकास न करना जोधपुर की जनता का अपमान है और मैं जोधपुर का मान सम्मान लौटाऊंगा। संकल्प लेने का वक्त आया है कि देश की महिलाएं कैसे आगे बढ़े, राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में। और आप देखते, सोनिया गांधी जी लगातार प्रयास कर रही है, उनको 33% आरक्षण मिले महिलाओं को विधानसभाओं में भी और लोकसभा के अंदर भी। जैसे राजीव गांधी ने किया था, संविधान संशोधन हुआ 73-74, उसके बाद में गांव में वार्ड पंच, सरपंच, प्रधान, प्रमुख, नगर पालिका में मेंबर और मेयर चेयरमैन बनने लगी हैं। तो 50% आबादी जहाँ हो, उस आबादी के बारे में जो सोच रखी है राजीव गांधी ने रखी, अब राहुल गांधी जी ने भी ये कहा है हम सबको, आप अधिक से अधिक टिकट कैसे महिलाओं को मिले ध्यान रखो। देश का युवा भी जो है उसको आगे लाने की जिम्मेवारी राहुल गांधी जी पर है। वो प्रयास करें किसी प्रकार जहाँ अवसर मिले पहले पार्टी उनको दो। इसी कारण जो टिकट मिले इस बार राजस्थान के अंदर भी, अब देखा हुआ कि नए नए युवा भी है। ये अब हमारी समाज की ड्यूटी है कि हम कैसे उनको कामयाब करें। उन्होंने अपना काम कर दिया, हम कैसे उनको कामयाब करें। नई पीढ़ी के आने का वक्त आ गया है राहुल जी के जमाने के अंदर, और पुरानी पीढ़ी जो अनुभवी है उनकी ड्यूटी है कि वो उनको मार्गदर्शन करे, उनको अनुभवों का लाभ दे, जिससे कि कांग्रेस के अंदर एक नया जोश के सामने देश की सेवा का जज्बा है कांग्रेस में उसको पूरा कर सके। जोधपुर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।